हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्नेही फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये दी के शादी का वीडियो जो मैंने बोला था ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वही, और अभी दी का दान मतलब कन्यादान होगा जो मम्मी पापा ही कर रहे हैं। और अभी बुआ जो है ना दी के पाँव में कलर लगा रही थी आलता। आप लोगों के भी घर में जो शादी होते हैं ऐसे ही रस्म सब होता है या कुछ डिफरेंट होता है बताना कमेंट्स करके। वो तो बताते नहीं हो पर फिर भी बोलती हूँ। और ये डेकोरेशन है, मैं तो अच्छी तरह ले नहीं पाई बट डेकोरेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा। अभी तो बहुत सारे खाने मतलब जो लगा हुआ था कॉन्टेंट पे वो चले गए, मतलब बहुत रात का है, ये सुबह के 4 बज रहे थे। एब्सोल्युटली सब खा खा के अपने घर चले गए। ये देखो डेकोरेशन बहुत प्यारा ही था। मैं तो मेन वो जो था एंट्री का तो ले ही नहीं पाई आप लोगों के लिए क्योंकि वो साइड में गई ही नहीं, इधर ही रह गई। तो एंट्री का जो डेकोरेशन था ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। और ये देखो मंडप जयमाला का जो बना हुआ था ये देखो। और ये है वो जहाँ पे शादी होता है वहाँ का, ये देखो जहाँ पे शादी होता है ना वहीं पे अभी दी के यहाँ पे कन्यादान हो गया। अब वो जो भाई देता है और राउंड राउंड बहन घूमती है वही चीज हो रहा है अभी दी का। राजा दे रहा है क्या हो गया तुम दोनों को, इतना क्यों बोल रहे हो? पिज्जा खाओगे? और अभी सिंदूर लगेंगे दी को तो दी इमोशनल हो गए। सिर्फ दी नहीं हम लोग भी इमोशनल हो गए, सब बहुत ज्यादा ही रोए क्योंकि यू नो जीजू सिंदूर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे लगाते हैं और मैंने देखा है बहुतों के यहाँ रेड वाले लगाते हैं बट हम लोगों के यहाँ इस तरह लगाते हैं। सिंदूर लगाने के बाद जब जीजू के हाथ में जो सिंदूर लगे रहता है उसे उन्होंने दूध में अपने हाथ को धोया। देखो दी रो रही है ना, इमोशनल मोमेंट था ये। अभी सारे जो मैरिड मतलब पापा हुए बड़े पापा वो सब ध्रुवा अक्षत फेंक रहे हैं दीदी और जीजू पे। ये देखो अभी वो हो रहा है वो धान होते हैं ना कलरफुल मतलब से कलर किया गया उससे मतलब ये कर रहे हैं। और यहाँ पे दी और जीजू एक दूसरे को दही खिलाएंगे, हमारे यहाँ ये रस्म होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। जाने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।